ओके ठीक है जी। फैक्ट्री में था, रास्ते में आ रहा। एक तो फैक्ट्री में भी ना हर दूसरे दिन कोई ना कोई मसला होता है, बहुत जिम्मेदारियां हैं उसके सर पर, इसीलिए झुंझला जाता है। तुम्हें उसे समझने की कोशिश करना होगी। फिलहाल तो मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अहमर इतने दिन से इफ्रा के साथ रह रहा था और उसने ये बात मुझसे छुपाए रखी, इसीलिए तो वो इतनी शेर हो गई है। एक बार फिर मुझे धोखा देने की तैयारी कर चुका था। ऐसा नहीं होगा नादिया, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, अहमर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। बदकिस्मती से वो इफ्रा के चक्कर में आ चुका है, वो उसे यूज कर रही है, धोखा दे रही है। लेकिन ये बात अहमर नहीं जानता, उसने इफ्रा का असल चेहरा नहीं देखा। और हाँ, एक बात सुनो ध्यान से, इफ्रा का साबका मंगेतर वापस उसकी जिंदगी में आ गया है। वो इससे मिल भी रही है अहमर से छुपकर, वो लड़का इस घर तक पहुंच चुका है और ये बात अहमर को पता नहीं है। क्या बड़ा धोखा, शक्ल पर इतनी मासूमियत। नादिया, हमें इफ्रा से अहमर की जान छुड़ानी होगी, इसमें अहमर की नहीं बल्कि हम दोनों की भलाई है। मम्मी की कॉल। हाँ तो उठाओ, उनको कहो आज तुम यही रुकोगी, भाई तुम्हारा अपना घर है। हाँ उठाओ फोन। हेलो। जी मम्मी।